अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अनम, फरत, हुमा, रहीला, डॉक्टर समन, आप सब कैसे? वेलकम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम और लाइफ, कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। और कुछ ना कुछ काम हो रहा है मिरर वर्क में? जी जी हो रहा है। ग्रेट, वेल डन। आज का टॉपिक है रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी। जिस तरह से हमें हवा, पानी, खुराक, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी लाइफ में जो है ना, वो दौलत की भी उसी इतनी ज़रूरत होती है। तो आज हमने ये इसके बारे में जानना है कि हम कैसे रिसीव करेंगे प्रॉस्पेरिटी। आर यू ए मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबाउंडेंस? टुडे यू लर्न हाउ यू कैन बी व्हेन यू ओपन योर सेल्फ टू रिसीविंग। हम कुछ चीज़ों के लिए आज हम जो आज सीखेंगे कि हमने हमारा किस तरह से क्या पैटर्न होना चाहिए कि हम अपनी इस अपनी लाइफ में जो है ना प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट कर सकें, उसके लिए भी आज अफर्मेशन भी सीखेंगे और जो हमारा बिलीव सिस्टम बना हुआ है उसको भी हम देखेंगे कि कैसे जो है ना हमने इसको, जो पुराना बिलीव सिस्टम है उसको चेंज करना है और नया हमने किस तरह से प्रॉस्पेरिटी जो है ना रिसीव करने के लिए, खुशहाली को लेने के लिए किस तरह से अपने माइंड को और अपने बिलीव सिस्टम को तैयार करना और अपनी अफर्मेशन के साथ अपनी जो हैबिट्स को चेंज करना है। आप माशाल्लाह अगर आप पीछे देखें तो काफ़ी, अगर पिछले अपने शुरू के नोट्स देखें तो आप, जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो आप देखेंगे कि आपने कितना लर्न किया है। और कैन यू सी हाउ मच मोर कंफर्टेबल यू आर विद सेइंग योर अफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर? अब आप जो मिरर के सामने अपने आप को अफर्मेशन कहते हैं तो वो पहले से कितनी बेहतर अंदाज में कह सकते हैं अगर आप पीछे जाके देखें तो। यू आर अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, ये है। डू यू बिलीव दैट यू आर ऑल्सो अ मैग्नेट फॉर मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबाउंडेंस? अगर आप बिलीव करते हैं कि आप जो है ना मैग्नेट, एक मकनतीस की तरह काम करते हैं कि वो आपकी दौलत आपकी तरफ आए, खुशहाली आपकी तरफ आए और कसरत के साथ सारी चीज़ें आएँ, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो टाइप करें यस, देयर इज़ सो मच अबाउंडेंस इन द वर्ल्ड जस्ट वेटिंग फॉर यू टू एक्सपीरियंस इट। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी जो है ना विश करनी है, उस पर हमने यकीन के साथ उस चीज़ पे फोकस करना है जो हमें चाहिए। बहुत सारी जो है ना पैसे हैं जो कि हमें जो हमें चाहिए खर्चने के लिए, वो इस दुनिया में मौजूद हैं। बहुत सारी जॉयनेस है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सब कुछ इस दुनिया में है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जिनके साथ हम मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। अगर हम अच्छी तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और रियलाइज़ करें कि हर चीज़ जो हम डिज़ायर करेंगे, हमारी विश होगी, वो हमें मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये बिलीव करना है कि सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है। ये हमारी अपनी ही थॉट्स और हमारी अपनी थिंकिंग अलग होती है कि हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो नहीं चाहिए होता। जो चाहिए होता हमने उस पे फोकस करना है, जो हमारी डिज़ायर होगी हम उस पे करेंगे तो चीज़ें हमें मिलेंगी। पावर जो है हमारे अंदर है और हम इस चीज़ के लिए विलिंग होंगे तो हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारी, हम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंटली चीज़ें मिलें, जो बाकसरत से हमें चीज़ें, जिसमें खुशी, पैसे, खुशहाली और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम इसके बारे में सोचेंगे कि मुझे ये चाहिए। हम एक्चुअली में वो सोच रहे होते हैं, वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो नहीं चाहिए। हमने इस चीज़ को भी इस कोर्स में सीखा कि हमारा जिधर हम फोकस करेंगे एनर्जी वहीं पे जाएगी। तो क्या आर यू ओपन टू रिसीविंग इट? आप क्या, आप सारे
प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन समझते हैं तो टाइप करें यस। इफ़ यू वांट समथिंग द यूनिवर्स डज नॉट से, अगर हम कुछ लेना चाहते हैं यूनिवर्स से तो उसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स कहेगी कि मैं सोच लेट मी थिंक अबाउट इट, वो ऐसा नहीं है। इट्स रेडीली रिस्पोंड एंड सेंड इट थ्रू, इसका मतलब है ये, वैसे जो जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है टेलीपैथी किया तो उसमें ये चीज़ थोड़ी सी बताई भी थी कि एक हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है, आबो अजदाद का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है और कायनात का कॉन्शियस होता है। तो इस तरीके से ये नहीं है कि कायनात को जो चीज़ दी जाएगी वो, मतलब यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के साथ जो हमने डिमांड करनी, जो हमने सोचना, हमें वो वापस लुटाएगी। उसमें वो ये नहीं ही होगा कि वो हमारे जो हमने मांगा तो उसके ऊपर वर्कआउट करके तो रिफ्यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने जो मांगा वो हमें मिलेगा, हमने जो सोचा वो हमें रिसीव होगा। बहुत दफ़ा देखें आपने भी, हमने भी नोटिस किया होगा कि हम लोग अक्सर ओपन नहीं होते चीज़ें लेने के लिए, वो नॉलेज हो, कोई विजडम हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें अक्सर लोग अपने आप को क्लोज ऐसे बाजुओं के साथ बैठे होंगे। इसका मतलब ये गेस्चर ऐसा है, ये गेस्चर ऐसा है कि जो बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि हम कुछ भी रिसीव करने के मोड में नहीं है, हम जो है ना क्लोज होके बैठे हैं। तो आइंदा से जो है ना हम अपने आप को ये चीज़ फील करनी, अपने बॉडी गेस्चर को भी देखना कि मैं लाइफ में हर चीज़ जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए ओपन एंड रिसीविंग मोड में हूँ, और अपने जो है ना मतलब खुले बाजू से, खुले दिल से मैं एक्सेप्ट करूँ कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी, अबाउंडेंस, मनी और जो भी रिलेशनशिप्स अच्छे, वो सारी चीज़ें हारमोनियस जो भी चीज़ें हैं वो मेरी तरफ आएंगी और मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए ओपन और रिसेप्टिव हूँ। आई इन्वाइट यू टू डू दैट राइट नाउ, स्टैंड अप, ओपन योर आर्म्स एंड से आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड एंड अबाउंडेंस इन द यूनिवर्स। वैसे तो पता नहीं आप किस सिचुएशन में हैं, लेकिन ये है कि आप अकेले हैं, अगर ऐसा आप कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करें और कहें कि मैं ओपन हूँ और रिसेप्टिव हूँ, और जो भी कायनात में जो अच्छा है, उस जो भी कायनात में अबंडेंस अच्छी चीज़ें हैं मेरे लिए, मैं उसके वो रिसीव करने के लिए अबंडेंस हूँ। इवन आप बहुत लाउडली भी कह सकते हैं, अकेले हैं तो आप ज़ोर से शाउट करें कि आपको पूरे रूम में अपनी आवाज़ सुनाई दे। प्रॉस्पेरिटी कैन मीन मैनी थिंग्स, प्रॉस्पर्टी का अभी मतलब क्या है, उसके मुख्तलिफ जो है ना मीनिंग्स हो सकते हैं, वही पैसे हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, कम्फर्ट हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, टाइम हो सकता है, नॉलेज, इन सब चीज़ों को हम खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि ये मेरे पास है, जो चीज़ भी आ रही है इसको मैं ओपनली रिसीव कर रही हूँ। यू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी बाई हार्ट, हमने प्रॉस्पेरिटी को कैसे क्रिएट करना, हमने अब उसके बारे में बात करनी है जो हमें चाहिए, उस अबाउंडेंस के बारे में बात करनी है, ना कि उसके बारे में बात करनी है जो नहीं चाहिए, जो लैकिंग है। तो अक्सर हमारा इश्यूज़ भी ये है कि हम फोकस उस पे चला जाता है, अगर किसी का कोई इशू बना तो उसकी सोल्यूशन पे नहीं होता, जब इशू पे बार बार बात हो रही होती है तो वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम की तरफ जाता है। तो अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएँ तो फ़ौरन से हमें ढेरों ढेर सोल्यूशन नज़र आते हैं। तो हमने जो अबाउंडेंस के लिए अफार्मेशन क्रिएट करनी है, या अपने आप को ओपन करना या क्रिएट करना, उसके लिए हमने जो बात भी करनी है या जो हमने सोचना है, तो वो जो चाहिए वो सोचना है, ना कि जो नहीं चाहिए, जो लैकिंग है उसकी तरफ नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम लैकिंग की तरफ कंसंट्रेट करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली जो है ना अबाउंडेंस नहीं आएगी। मिरर वर्क ने हमने ये बहुत अच्छे से ये पावरफुल टूल मिला है कि जिसमें हम आराम से जो है ना अफार्मेशन हमने की और बहुत सी चीज़ें स्लोली स्लोली इन 21 डेज के सफ़र में चीज़ें हमारी अफार्मेशन ने बहुत सा आसान किया कि हम जो चीज़ें जो सीडिंग कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ में हमारी अट्रैक्ट भी हो रही हैं और प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। जब हम अलाउ करते हैं अपने आप को कि जो यूनिवर्स में अबाउंडेंस है उसको एक्सपीरियंस करें, उसको रिसीव करें, जो डिज़ायर हमने किए, तो वो सारा जो काम है वो इस मिरर वर्क के थ्रू हो रहा है और आगे भी आप कीजिएगा। व्हेन एवर यू कम आउट
comes back to you always. If you take from life, then life will take from you. जब कभी भी हम जिंदगी में जो कुछ देते हैं हमें वापस वही कुछ मिलता है. तो हम जो अगर चीज़ खुशी हम देंगे तो खुशी लेंगे. इसी तरीके से जिस चीज़ की विश करेंगे वही हमारी तरफ आएगी. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब किसी की हिस्से की चीज़ें ले रहे हैं. अल्लाह ताला ने हर इंसान के हिस्से का अपना अपना दिया हुआ है. हमें अपने हिस्से की डिमांड करनी है, हमने अपने हिस्से की विश करनी है, अपने हिस्से की जो ड्रीम्स हैं उनको हमने अच्छे से जो अपनी थॉट के साथ, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जिसमें इमोशन भी हैं उसके साथ हमने उन चीज़ों को क्रिएट करना है, फील करना है थ्रू अफर्मेशन, थ्रू मिरर वर्क. तो चीज़ें हमारी तरफ आएंगी. और उसमें खुले दिल से एक्सेप्ट करना है कि उसमें ये नहीं सोचना कि मैं इन सब चीज़ों की के लिए डिज़र्व नहीं करता. वही हमारे जो बिलीव्स ऐसे बन चुके होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि मुझे कैसे मिल सकता है, मैंने तो पहले भी इतनी दफ़ा कुछ किया, मुझे कभी कुछ नहीं मिला. तो साथ हम उसने जो कंडीशन कर दिया तो वो नेगेटिव चीज़ अटैच कर दी. समाओ अगर कोई चीज़ नहीं भी मिली, कुछ ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है भी, तो वो एक पास्ट का एक्सपीरियंस था. हम उसको प्रेजेंट जब सिचुएशन होती है उसके साथ कंडीशन कर रहे होते हैं कि पहले भी तो वही जो मैंने कल बताया था कि ऑटो पायलट के पास जो हमारा माइंड है, जो कंप्यूटर माइंड था, उसके पास जो है ना पहले से एक्सपीरियंस है. कोई सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो एक्सपीरियंस फ़ौरन से साथ अटैच करके ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमें दे देता है और हम उसी तरह से सोचने लगते हैं और उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं. तो हमने इस मिरर वर्क के थ्रू जो है ना वो क्रिएट करना है. और आज के बाद भी जो लेक्चर्स रहते हैं उनमें ये वाली अफर्मेशंस हमने जो है ना वो कंटिन्यूसली बोलनी है. और वाई नॉट कि हम इसे सारी लाइफ के लिए ही हम इसको बोलते रहेंगे. कहाँ गया थोड़ा सा. इस तरह से अफर्मेशन जो है प्रॉस्पेरिटी की, उसकी दो किस्में हैं. एक जो है आई हैव यूज फॉर मैनी, ये जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इसे यूज़ किया है और उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिला है. और उन्हें जो उन्होंने प्रॉस्पेरिटी के लिए अफर्मेशन यूज़ की वो सारी चीज़ें उनको मिली हैं. उन्होंने कहा कि मेरी इनकम जो है ना वो कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज़ हुई है. और जब कभी उन्होंने ये अपने आप को इस तरह की अफर्मेशन दी हैं तो वो उन्हें वापस इन रिटर्न मिला है. इस तरह से व्हेन समथिंग गुड कम्स इनटू योर लाइफ से यस. यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी एग्जांपल के साथ भी समझाऊँ कि हमें जब कभी कोई चीज़ मिलती भी है, कोई हमें गिफ्ट भी देता है, तो हम आगे से क्या कहते हैं. या कोई किसी ने हमारी दावत की, खाना अच्छा दिया, कहीं गए तो हम क्या कह रहे होते हैं, नहीं आपने तकल्लफ कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी. तो इसका मतलब है कि हमने ओपनली रिसीव नहीं किया. उसमें हमें ये कहना चाहिए, मतलब ऑलवेज हमें यस. तो इसका मतलब है कि आज के बाद हमने कुछ भी हमारी तरफ आ रहा है तो उसे हमने यस कहना, अपने आप को ओपन और रिसेप्टिव करना है. इस कोई भी अगर गिफ्ट भी देते हैं तो हम उसको उतने खुले दिल से नहीं कहते. हम कहते हैं ओ इसने मुझे मेरे पे एहसान कर दिया, अब ये दे दिया, ये अब मुझे भी वापस रिटर्न करने पड़ेगा. मतलब कितनी चीज़ें उसी वक्त हम इस तरह की थॉट्स भी क्रिएट करते हैं. कितनी आप में से कितने लोग होंगे जब कभी कोई चीज़ मिली होगी तो खुले दिल से एक्सेप्ट किया होगा कि ये मैं डिज़र्व करती हूँ. हमें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि नहीं ये तो पता नहीं अब कैसे इसने दिया, मेरा मुँह रखने के लिए कर दिया, अब इन्होंने जो खाना बनाया पता नहीं वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए किया, वट एवर. हम बहुत सी चीज़ें अपने साथ जो है ना वो अटैच करते हैं. हमने अब जब भी कोई भी चीज़ हमारी तरफ आती है तो हमने उसे ओपनली जो कहना है यस. तो अपने आप को जो अच्छी चीज़ हमारी तरफ आ रही है उसको कहना है यस. जो भी हमारी इस दुनिया में और इस हमारी ज़िंदगी में, पहले तो चलो हमें नहीं पता था, अब तो हमें पता चल चुका, अब से हमने जो चीज़ें अच्छी मेरी तरफ आएंगी मैं उनको यस कहना. अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉस्पेरिटीज़ विल इंक्रीज़ 100 फोल्ड.
जब हम यस के साथ लेंगे तो हमें वो बहुत दफ़ा, वो मतलब 100 दफ़ा 100 टाइम बढ़ के हमारी तरफ आएंगी। एक ना एक दिन जो है वो इस तरीके से, हम अगर पूरे दिन में, अगर कहीं पूरा दिन है उसमें एक दफ़ा अपने आप को ऐसे ओपन आर्म के साथ बिल्कुल कहेंगे से यस, कि जो कुछ भी मेरी तरफ आ रहा है मैं उसे रिसीव कर रही हूँ। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, और अपने खुले आर्म्स के साथ ओपन वाइड करके अपने आप को भी खुशी के साथ, जॉय के साथ कहना आई एम ओपन है, और इस तरह की जो है वो अफर्मेशन के नहीं है, शीशे के सामने खड़े होके अपने दिन में एक बार ये करनी है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबाउंडेंस इन द यूनिवर्स। कायनात में जितनी चीज़ें भी हैं, जो भी कसरत के साथ खुशहाली, लव, मनी, सारी चीज़ें जो पीछे मैंने एक्सप्लेन की हैं, वो जो भी चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं मैंने उसको ओपनली रिसीव करना, ओपन एंड रिसेप्टिव होना उसके लिए। थैंक यू लाइफ, लाइफ विल हेयर यू एंड रिस्पोंड। जब एक तो रिसीव करते हुए यस करना है कि मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ, फिर लाइफ को थैंक यू बोलना है, और फिर लाइफ जो है वो सुनती है चीज़ें, सब अल्लाह ताला ने नेचर में जो भी चीज़ें वो हमारे लिए रिसोर्स बनती हैं, रिसोर्स बनती हैं, करता अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, हर एक चीज़ एक दूसरे को सर्व कर रही है, इसलिए यूनिवर्स का नाम है। तो यूनिवर्स भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है, कि अल्लाह ताला ने ये कायनात पूरी बनाई है, जैसे इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और हर चीज़ को इंसान के ताबे कर दिया, तो ये हर चीज़ जो है वो इंसान की वेलफेयर के लिए हर चीज़ काम कर रही है, उसके अंडर काम कर रही है। ये अलग बात है कि हमें समझ नहीं है, जिन कायनात में जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ों से खौफज़दा हो जाते हैं, वो कोई भी चीज़ हम पे जो है ना हावी नहीं हो सकती जब तक कि हम खौफज़दा ना हो जाएं। तो हर चीज़ ये कायनात में जो जिन्नात भी हैं वो भी इंसान के ताबे हैं, इसी वजह से देखें कुछ लोगों ने कितना ज़्यादा जो है ना वो उसके इलम लेके अपनी बॉडी को ट्रेंड करके, तो वो जो एक जिन्नात वगैरह उनको भी अपने ताबे किया और उनसे काम लेते हैं। बात सिर्फ कायनात की एक्सप्लेनेशन को मैंने बताने के लिए की है कि हर चीज़ जो क्रिएशन जो यूनिवर्स में है वो इंसान के लिए ही काम करती है, और हर एक दूसरे की वेलफेयर के लिए करा, और हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हर एक जो है ना एक दूसरे को फ़ायदा और नुकसान देता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ, नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है ना, उसमें जो है ना काफ़ी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन भी की हुई, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो नेक्स्ट हमने ये आज हमने ये सीखा कि हम ओपन और रिसेप्टिव होंगे, और हर चीज़ जो भी अच्छी चीज़ का हमें मिल रही है इस दुनिया में हम उसे वेलकम करेंगे, ओपन एंड रिसेप्टिव होंगे और यस बोलेंगे उसको, लाइफ को थैंक यू बोलेंगे, और लेट्स अफिम ये अफर्मेशन बोलनी है, लाइफ सप्लाइज ऑल नीड्स इन ग्रेट अबाउंडेंस, आई ट्रस्ट लाइफ, मैं जो है जिंदगी, उस जिंदगी के ऊपर जो है ना भरोसा करती हूँ। आज का मिरर वर्क है, आज थोड़ा सा डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी पे आया, तो इसलिए वो चीज़ें आई हैं, थोड़ी पहले वाली चीज़ें जो अपने ऊपर काम हो रही थी उनमें से वो अब हम रिसीविंग मोड में आए। पहले हमने बिलीफ सिस्टम पे बहुत सी चीज़ें जो हमने जो 17 लेक्चर्स में पढ़ी, तो आज का जो थीम है वो रिसीविंग में है, अब से हमने रिसीव करना है। तो शीशे के आगे उसी तरह खड़े होना है और फोकस करना है कि आप जो है ना रिसीव कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी को। स्टैंड अप विद योर आर्म्स ओवर स्ट्रेच एंड से, वही अगेन अपने बाजों हाथ को स्ट्रेच करें और अपने आप को ओपन करें और रिसेप्टिव टू ऑल गुड्स, जो अच्छी चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं मैं उसे रिसीव कर रही हूँ। नंबर टू पे, नाउ लुक इनटू द मिरर एंड से इट अगेन, शीशे में दोबारा देखना और फिर से ये कहना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड्स, लेट द वर्ड्स फ्लो फ्रॉम योर हार्ट, इस तरह से कहना कि आपको फील हो, आपने दिल से ये बात करनी है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड्स, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड्स। रिपीट नंबर थर्ड, रिपीट दिस अफर्मेशंस 10 टाइम मोर्स, 10 दफ़ा बोलनी है। नंबर फोर, नोटिस हाउ यू फील, बोलने के बाद आप फील करें कि आपको कैसा लग रहा है, डू यू फील लिबरेटेड, अब आपको कुछ सुकून और रिलैक्स और ऐसा लग रहा कि आप कुछ फ्रीडम फील नहीं करें, डू दिस एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग अंटिल द एंड ऑफ योर मिरर वर्क कोर्स।
मिरर वर्क के ख़त्म होने तक हर सुबह आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, जो आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड्स। इट्स अ वंडरफुल वे टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। व्हाई नॉट कंटिन्यू होल लाइफ, क्यों ना हम सारी जिंदगी इस तरह की अफर्मेशन जो है ना वो बोलते रहें और प्रॉस्पेरिटीज को रिसीव करते रहें। मैं अपना तो मैं डेली सुबह उठती हूँ, तो मैं जब वो प्राइम टाइम होता है, जो मिरर अल्फा टाइमिंग होती है, दिमाग की वो स्टेट होती है कि जहाँ पे हम जो अफर्मेशन बहुत जल्दी हमारे दिमाग में जो है ना एम्बेड हो जाती हैं, उस स्टेट में मैं खुद को ऐसा बोलती हूँ, आई एम अ मैग्नेट टू रिसीव प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबाउंडेंस, लव, सक्सेस, कम्फर्ट। फिर आदत बन जाती है, जैसे आँख खुलती है उसके बाद इंसान ये चीज़ बोलने लगता है। तो आज से आप भी जो है ना ये अफर्मेशन लिखते जाएं, और कुछ को तो अब आपके माइंड में आदत भी हो चुकी होगी, और नेक्स्ट भी करते जाएंगे तो और ज़्यादा आपके माइंड में उसकी जो है ना पैटर्न बन जाएंगे, और आप कोई ना कोई तो अफर्मेशन याद आती रहेगी जो आप अपने आप से बोलेंगे। जर्नली वर्क में है 18 डे का, पावर इज़ विद इन यू। नंबर वन पे है, व्हाट आर यूर बिलीव अबाउट मनी। गो बैक इन टू द मिरर, शीशे के सामने जाएं और फिर देखें अपनी आँखों में और कहें, माई बिगेस्ट फेयर अबाउट मनी। अपना अपना देखिए, हर एक का कोई ना फेयर बचपन में कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा पैसा इंसान को ख़राब कर देता है, ज़्यादा पैसे वाले अल्लाह से दूर हो जाते हैं, पैसा इंसान को मगरूर कर देता है। मतलब ये तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो हमारे उस वक्त सुनी होती है और हमारी कंडीशन हो जाती है, और बैकअप माइंड हमारी वो हमें सर्व कर रही होती हैं जो सब कॉन्शियस लेवल पे। तो कोई भी जो फेयर है उसे लिखें और इसका आंसर भी लिखें, और ये भी लिखें क्यों ऐसा फील हो रहा था। जो भी आपका फेयर इसके साथ पैसे के साथ अटैच है वो लिखिए, हर बंदे का डिफरेंट होगा, हो सकता किसी का नाम भी हो। नंबर टू है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट मनी एज अ चाइल्ड। अगेन, जब आप बच्चे थे तो पैसे के बारे में क्या सुना था, कैसे सुना था, हाउ आर फाइनेंस हैंडल्ड इन योर फैमिली। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें भी होती हैं बच्चों के सामने, पैसों के बारे में भी हर कहीं ना कहीं फैमिलीज में प्रॉब्लम आते हैं, और किस तरह से फाइनेंस के इशू आते थे या बड़े अच्छे से मैनेज होते थे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने हर थीम को इस कोर्स में जो है ना वो टच किया, तो आज का जो है इसको भी, इसकी भी सर्जरी हो रही है इन डेप्थ। जो बिलीफ सिस्टम है, हर जो थीम था उससे रिगार्डेड जो है ना वो इन डेप्थ जो है ना वो बिलीफ सिस्टम को छेड़ा गया। यहाँ पे भी दोबारा से है कि क्या कैसे हैंडल होता था। राइट डाउन योर थॉट्स, डू यू सी एनी पैटर्न, क्या था उस वक्त, कैसे पैसे के जब आप बच्चे थे। नंबर थ्री पे, नाउ डू सम जर्नलिंग टू शिफ्ट योर सेल्फ इन टू प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग। अब इसमें लिखेंगे आप जो है ना अभी आप खुशहाली के बारे में सोच रहे हैं। राइट डाउन दैट इट वुड बी लाइक टू हैव ऑल द थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। आप लिखें जो आपको चाहिए थी, आपको खुश, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी लिखें जो आप चाहते। व्हाट वुड दे बी, वो क्या कुछ हो सकती हैं। What would your life look like then? जब अगर आपको वो सारी चीज़ें पहले लिखनी हैं कि ऐसी होनी चाहिए मेरी लाइफ में, वो क्या चीज़ें थी जो कि होनी चाहिए, फिर जब वो मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें, तो आपकी ज़िंदगी कैसे लगती है, किस तरह का आपको महसूस होता है। आपको जब ये सारी खुशहाली, पैसा, आपके पास सारी चीज़ें, वक्त, आपके पास नॉलेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप कहाँ सफ़र करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं इस पैसे के साथ, और इस जब आपकी ये सारी प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी, फील करें इसको, इंजॉय करें, बी क्रिएटिव एंड हैव फन। तो ये एक्सरसाइज आज की
जो जिस तरह से बाकी चीज़ों की ज़रूरत है उसी तरह पैसे की भी है। और इस चीज़ को हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि पैसा भी ज़रूरत है हमारी। आज का जो हार्ड थॉट है, 18 डे का जो हार्ड थॉट है वो है आई एम अ यस पर्सन। अगर आप यस पर्सन है टाइप करें यस। हम कोई भी बात अगर जिसमें हमने नो भी कहनी है ना, तो उसमें हम पहले यस कहें और उसके बाद बट भी ना लगाएं, उसके बाद हम कहें एंड। और ये इसको NLP में ये एग्रीमेंट कहते हैं कि आप किसी के साथ जो आर्ग्यूमेंट विन करना है, किसी के साथ आपने जो आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल टॉक हो या उसके साथ बात आपकी उसके माइंड में भी जाए, तो उसके लिए पहले आप यस कहें, बट के बजाय आप एंड कहें। तो अक्सर हम नो कहने के आदी हैं, तो आज से हमने ये हॉट थाट करनी है कि आई एम अ यस पर्सन। हर चीज़ को हम पहले अगर किसी की किसी के साथ मेरा अगर कोई आर्ग्यूमेंट में मेरा वो भी है, किसी के साथ डिबेट होती है तो मेरी वो आर्ग्यूमेंट में उसके साथ कन्फ्लिक्ट भी है, तो मैं अगर यस करके उसके बाद कहूँ कि एंड माई ओपिनियन इज़ दिस, झगड़ा भी नहीं होता, मसाइल ही नहीं बनते, क्योंकि हमने पहले यस कह दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको एक्सेप्ट किया है, उसके व्यूज़ को वैल्यू दी है। तो अगर हम लाइफ में एक दूसरे के व्यूज़ को और एक दूसरे के पर्सनालिटी को, पर्सन को जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे और पॉजिटिवली उसको अप्रूव करेंगे, तो हमारा कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, रिकग्निशन होगी कि हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिकग्नाइज़ किया दूसरे पर्सन के। तो इसी तरह फिर जब मैं किसी के पर्सपेक्टिव को, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिकग्नाइज़ करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी और पहले यस बोलूँगी, फिर कहूँगी यस एंड माय ओपिनियन इज़ दिस, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस, तब जो है ना वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आते और जो भी कन्वर्सेशन होगी फ्रूटफुल होगी। तो आज से आप टाइप करें कि आपने अपने आप को ये बोलना है आई एम अ यस पर्सन। आप करके देखिएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि फिर किसी के साथ तो कन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा ना। जब किसी से बात करनी है, कोई हमने अपने आर्ग्यूमेंट के उनके खिलाफ बात भी करनी है, अगर मुझे कोई इतराज़ भी है तो उसमें जब मैंने यस कह दिया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। ये हॉट थॉट अब दे के आगे सारा कि मैं अपने आप में जानता हूँ कि मेरे पीछे आगे पीछे जो भी विजडम, जो चीज़ें यूनिवर्स में मुझे सपोर्ट कर ली हैं पॉजिटिव वे में, और मैं ऑलरेडी वेट कर रही हूँ कि जो भी चीज़ इस दुनिया में मुझे मिल रही है वो इस प्लैनेट पे है, वो मुझे इजीली मिल सकती है, और उसमें ये जो जितना मुझे पैसा चाहिए वो मुझे मिल सकता है। ये पहले हमने बिलीव करना है जिन लोगों से, ये पहले भी जो मैंने बता दिया कि जिन लोगों से मैं जितने भी हम, कोई एक बंदा हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि अब मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो मेल भी फीमेल भी कोई भी ऐसे ही हम सोचते हैं कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं। इस पर बल्कि एक जोक भी सर्कल कर रहा होता है कि अगर कोई आपके साथ कोई आपको छोड़ देता और आपको चीट कर जाता है तो आप अपने घर के छत पे चढ़ के देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, और आप किसी और को देख लिए डेफिनेटली कोई और भी आपको अच्छा मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है, हमने ये सोचा होता है कि बस अब जो मुझे मिल चुका है या मेरे पास है, अगर मेरा उसके साथ नहीं भी सही हो रहा और वो बंदा ये सोचता कि नहीं मेरे लिए ये सिर्फ लास्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रखी, हम सोच भी नहीं सकते। हम जितना हमें चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ वो विश करनी चाहिए और उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके पे नहीं करना चाहिए, तो हमें वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। और जितना हम जो चीज़ हमें मिलती है उसका हम जितना ग्रेटफुल होंगे, उसका हम जितना थैंकफुल होंगे, उतनी ही चीज़ें डबल होंगी। आप जैसे मैं पानी का बहुत अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ कि मुझे बहुत, जब भी मैं पानी यूज़ करती हूँ मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह पानी आपने हमारे लिए बहुत ऐसी चीज़ बनाई है, इस पानी के बगैर, और फिर
अल्लाह ताला का एहसान है कि पानी वाफर मकदार में मिलता है। फिर अल्लाह ताला ने घर दिया, जब घर आते तो उसमें कितना शुक्र अदा करते हो, या अल्लाह तूने घर दिया, खाने जब खाना खा के पेट भर गया अपनी, उसमें इतना शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने खाने को दिया। कितने लोग हैं जो इस वक्त उनको अपनी जो नीड है उसको शेयर नहीं कर सके। फिर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फैमिली है। कितने लोग हैं कि इस वक्त वो बीमार हैं, कितने लोग हैं वो कितने दूर किसी और कंट्री में, या वो अपने रिलेटिव्स अपने करीबी लोगों से मिल नहीं सकते। एक एक चीज़ का जब हम शुक्र गुजार होंगे अल्लाह ताला की एक एक नियामत का, जब दिल चाहा तो जो चीज़ खा ली तो शुक्र अदा किया कि मेरा दिल चाहा तो मैंने मुझे ये मुझे खाने को मिली। जितना हम ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगे, जितना हम थैंकफुल होंगे, उतनी ही चीज़ें हमारी तरफ वापस 100 टाइम जो है ना डबल ट्रिपल होके हमारी तरफ वापस आएंगी। मेडिटेशन है प्रॉस्पेरिटी की, रिसीविंग की, और ये आप में से कोई पढ़ ले क्योंकि ये अफार्मेशन है। वैसे तो मेडिटेशन अलग होती है लेकिन ये पढ़ने से भी ये होता है कि हम जो है ना सारे बाकी भी सुनेंगे और ये हमारे लिए सीडिंग का काम करेगी। तो कौन पढ़ेगा, और ये आपने आज से हर दिन पढ़ना है, सुबह के शाम भी, शाम को भी। आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी काइंड इज ड्रॉन टू मी, एट वर्क आई एम डीपली अप्रिशिएटेड एंड वेल कंपनसेटेड, I live in a long, loving, abundant, harmonious universe, and I am grateful. I am open to the unlimited prosperity that exists everywhere. The law of attraction brings only good into my life. I move from poverty thinking to prosperity thinking, and my finances reflect this stage. Good comes to me from everywhere and everyone. I express gratitude for all the good in my life. Each day brings wonderful new surprises. I pay my bill with love and I rejoice as I write out each check. अच्छा, इसमें एक ये भी बात बता दूँ कि जो लोग चेक लिखते हैं उसको, या हम कभी पैसे जो हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो जब किसी को हम पैसे दे रहे होते हैं तो हम खुशी से दें, जितनी खुशी से हम पैसा देंगे उतना ही हमारी तरफ खुशी से वापस आएगा। हम टेंशन से उसके साथ अगेन वो नेगेटिव कंडीशनिंग करके ना दें, जब भी किसी को देते हैं तो उनको भी दबा दें कि याला इनको भी डबल करें, और उसमें एक चीज़ बोल के कहें कि याला इसको डबल करके मेरी लाइफ में लाना। और चेक में तो कुछ वो ये भी है कि जब चेक काटें तो उसमें मतलब ज़ाहिर है पेंसिल से लिखेंगे तो बैंक वाले तो वो लिखा हुआ नहीं एक्सेप्ट करते, तो बंदा जो है ना बंद पेंसिल से उसमें हम लिख सकते हैं कि डबल होके मेरे पास वापस आए। ये कुछ अरसे से मैंने भी करना शुरू किया हुआ कि ये चीज़ें जो है ना जब भी, अब मैंने बाकी भी बताया जिन लोगों को कि जब भी आप खर्च करते हैं तो खुशी से दें, जब बिल्स हम पे कर रहे होते हैं तो वो खुशी से दें कि मुझे, एक तो ये भी सोचें कि मुझे खुदा ने दिया तो मैं उसके दिए में से देती हूँ, दूसरी थॉट अटैच कर लें कि या अल्लाह इसको मुझे मेरे लिए डबल करके देना। तो ये आज की जो प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं सीखने को। आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। आई रिलीज ऑल रेजिस्टेंस टू मनी एंड अलाउ इट टू फ्लो जॉयसली इनटू माय लाइफ। माय गुड कम्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड एवरीवन। चलिए अब आप में से भी कोई पढ़ें, और ये अगर हम रोज़ सामने रखें तो फजूल में जो हमारी अफार्मेशन जा रही होती हैं चीज़ें, तो उनसे तो ये अगर रोज़ के रोज़ हम देखते रहें, कभी कोई अफार्मेशन अपने मिरर के सामने रखें, मोबाइल में रखें, तो कितनी अच्छी चीज़ है। जब ये बार बार हमारे माइंड में बैठ जाएँ तो ये सब हमारी तरफ आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस चीज़ पर हम फोकस करेंगे वही हमारी तरफ आएगी चीज़। तो हम नेगेटिव के बजाय, लैकिंग के बजाय जो चाहिए उस पर फोकस करें तो वही चीज़ आएगी। जी कोई पढ़ेगा अभी? जी मैं पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू। आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी काइंड इज ड्रॉन टू मी, एट वर्क आई एम डीपली अप्रिशिएटेड एंड वेल कंपनसेटेड, आई लिव इन अ लविंग एबंडेंट हार्मोनियस यूनिवर्स एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम ओपन टू द अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रिंग्स ओनली गुड इन टू माई लाइफ, आई मूव फ्रॉम पॉवर्टी थिंकिंग to prosperity thinking, and my finances reflect this change. Good comes to me from everywhere, everyone.
I express gratitude for all the good in my life. Each day brings wonderful new surprises. I pay my bills with love and I rejoice as I write out each check. Abundance flows freely through me. I deserve the best and accept the best now. I release all resistance to money and allow it to flow joyously into my life. My good comes from everywhere and everyone. गुड एक्सीलेंट. कोई और भी पढ़ ले. देखिए हम ये कॉन्शियसली तो हम चीजें क्या ही रहे, लेकिन हमने अपने सब कॉन्शियस में ये पहुंचानी है. आई डिजर्व द बेस्ट. मैं पढूं? जरूर श्योर पढ़े. आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी काइंड इज ड्रॉन टू मी. एट वर्क आई एम डीपली अप्रिशिएटेड एंड कंपनसेटेड. I live in a loving, abundant, harmonious universe and I'm grateful. I'm open to the unlimited prosperity that exists everywhere. The law of attraction brings only good into my life. I move from poverty thinking to prosperity thinking and my finances reflect this change. Good comes to me from everywhere and everyone. I express gratitude for all the good in my life. Each day brings wonderful new surprises. I pay my bills with love and I rejoice as I write out each check. Abundance flows freely through me. I deserve the best and I accept the best now. I release all resistance to money and allow it to flow joyously into my life. My good comes from everywhere and everyone. Great. Wonderful. Well done. Koi aur bhi padh le. और फिर कोई क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं. कौन पढ़ेगा? खुशहाली चाहिए, सबको चाहिए. सर्वाइवल के लिए तो सबको ही चाहिए. बेसिक नीड में है सबके. सारी चीज़ों के साथ हमें हर लम्हे इन चीज़ों की ज़रूरत है. जी कौन पढ़ेगा? और कोई क्वेश्चन है तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था. मैं पूछ जी पूछ के मैम, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब से जितना मैं अप्लाई करती हूँ उससे काफी अच्छा लगा है. पॉजिटिव भी हो गई है काफी चीजों में. खैर एक तो पहले 2-3 घंटे जरा इफेक्ट रहता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है आपके लेक्चर के बाद स्पेशली. तो उसके बाद दूसरा मैम, थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अलर्ट से, जैसे मैं आपसे कह रही थी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैं जैसे किसी से कोई बात की, मैंने कहा अच्छा इट्स ओके, ठीक है हो गया तो ठीक है, ठीक है ना. तो उसके बाद ये है कि थोड़ा सा मुझे लगता है शायद मैं अल्लाह से दूर हो जाती हूँ. जैसे इस तरह कभी कभी मुझे ये फीलिंग आती है कि अगर मैं हर चीज़ में कहूँगी कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, तो उसमें भी शायद थोड़ा सा आप अपने आप को फिर इस तरह नहीं होता. पहले जैसे मैं छोटी थी तो मैं थोड़ा सा डरती थी कि मैं भी शायद मैंने गलत किया है. तो लेकिन आप यह होती तो मोस्टली ठीक ही है मेरे ख्याल में बात, लेकिन वो थोड़ी सी वो फीलिंग कम हो गई. जैसे मैं अपने आप को हर चीज में ठीक ही समझने लग गई हूँ. तो देखिए ठीक मैं ना, हम अगर दूसरों की साइड से भी खुद को ही ब्लेम करेंगे और जो कर रहे हैं हम उस पर ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो तो ज्यादा नुकसान वाली चीज है ना. अब अच्छा आप अपने बोलने और अपने करने और अपने सोचने के जिम्मेदार हैं. अब दूसरा उसके क्या मीनिंग देता है वो जिम्मेदार है, उसकी आप जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उसका अपना पर्सपेक्टिव है. अब आप ये हमारा माइंड है कि वो उन्हीं चीज़ों पर अटकाए रखता है. जो मैंने बीच में बात भी की थी कि हमारे जिसम से भी ऐसे केमिकल निकलते हैं कि जिसकी हमें एडिक्शन हो जाती है. तो एक दफ़ा जब नहीं होता तो बड़ा सा कोई ऐसा ब्लेंडर करवा के तो वो उससे ले लेता है केमिकल. तो अभी कुछ अरसे तक तो ये इस तरह की थॉट आती भी हैं तो आप इग्नोर करें कि ऐसा नहीं है, मैं जो भी कह रही हूँ वो ठीक ही कर रही हूँ. क्योंकि आप देखें जो कर भी रहे हैं, जो जैसा भी है, तो इट्स ओके. वो जो थोड़ी हुई है ना वापसी की कि नहीं ये मैंने ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं है, वो रिग्रेट है. अच्छा मतलब वो जैसे मैम तज़किया नफ्स या वो जो चीज कहते हैं कि आप उसको वो छोड़ो, पर उसको ऐसी वो फिर नेगेटिव थॉट्स यार. वो तज़किया नफ्स वो एक अलग चीज है, वो ठीक है. तज़किया नफ्स तो ठीक है,
करने से पहले हमने देखना है, अब हम कर चुके हैं तो हाँ बिल्कुल, ये तो है वैसे वो देखें कि ये बात तो ठीक है, सही वो देखें हाँ वो मैंने मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, मैंने अपने आप को अफर्मेशन दे दी कि मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने वो एक था कि मैंने अपना मुंह कहाँ कहाँ बंद रखना है, हाँ वो मैम ये मैंने बात है शेयर किया था जी, वो, बिल्कुल मैंने देखा था। उसको भी एज अफर्मेशन बार बार अपने आप को करें कि मैंने कहाँ कहाँ नहीं ठीक बोला, ठीक ये ये बेहतर है, चीज़ है ना कि जो हमें उसमें हो जाएगा कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, कि जो चीज़ थी ठीक मुझे पता था कि फलां बंदा गलत है लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि जज तो अल्लाह करेगा, मैं क्या करूँ, मुझे ठीक पता है चल चुका है, तो मैंने तो उसे एज अ पर्सन उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हाँ अगर ठीक मैं है मेरा अगर कोई वे है कि मैं उसे पॉजिटिवली उसको बता दूं कि ये प्रिडिक्शन है आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अगर वो उस तरह भी नहीं सुनता तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है इट्स ओके, ये अपना बीज बोएगा ठीक वही काटेगा, मैं वो जो बीज ठीक है बोऊंगी मैं वही काटूंगी, तो ये यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेम हो गया कि अब आपने आपको खुले दिल से अप्रिशिएट करें और खुले दिल से चेंज करें कि जो भी हो रहा है इट्स ओके इट्स ओके सो व्हाट, सही है। बोलेंगे तो जो अच्छा माइंड को आदत पड़ी हुई है ना कि हो जाता है तो बाद में बैठ के पछता रहे होते हैं, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था ऐसे नहीं, जो हो गया वो इट्स ओके, पर उसके बाद अफार्मेशन जाएंगी कि हाँ मैंने ऐसे नहीं करना मैंने ऐसे नहीं करना, और उसको चेक करना है, एक थॉट ले लें एक बात ले लें जो कि आप 21 दिन तक चेंज करें, 21 दिन तक उस पर काम ठीक करें कि आज मैंने गुस्सा नहीं करना आज मैंने गुस्सा नहीं करना आज मैंने वो पाँच चले एक ना तो पाँच वर्ड जो ना डेली अपने आप को बोलें कि मैंने आज जो है ना किसी से गुस्सा नहीं करना, मैंने रिलैक्स रहना मैंने खुश होना है, ये पाँच वो बच्चे मैं भेजूंगी वो रेकी सीखने से के लिए जो है ना वो पांच चीज़ें होती है, और वो पूरा दिन बंदा उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि मैंने आज सही लाइट रहना ऐसे जैसे फरिश्ते लाइट होते हैं, मैंने ठीक आज बिल्कुल रिलैक्स और काम रहना है गुस्सा नहीं करना, मैंने आज लोगों को सर्व करना है, तो इस तरह की जो एक दो दो भी कर लेना तो 21 दिन तक याद रहेगा कि मैंने तो आज ये नहीं करना था मैंने तो ये नहीं करना था, सही वो उस तरह सही से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना, बहुत मजे की लाइफ होगी फिर सही है उसमें रस भी आएगा, ठीक है। अच्छा मैम एक और था क्वेश्चन, वैसे वो शायद इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जैसे मैम माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान है, जाहिर बात है 16-19 इस एज ग्रुप में है, आपको पता है बच्चे समझदार है। अच्छा छोटी सी जैसे एक बात है ना कि सुबह की नमाज को ले लें फजर को ले लें, मैं कहती हूँ उनको पढ़ो ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं माशाल्लाह मतलब खुद ही पढ़ लेते हैं, बल्कि मोस्टली तो सुबह की में डंडी मारते हैं, तो मैं पहले से पीछे पड़ जाती थी मतलब पढ़ो पढ़ो उठो उठो मतलब रात से ही ना, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि वो उसका फायदा कोई नहीं है, करते हैं उन्होंने मतलब जो उनकी मर्जी है वही करेंगे, कहा कि मैंने फिर वो दुआएं कर दी, फिर मैं कभी कभार कह देती हूँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे आप एक जैसे कि बच्चे हैं, मैं वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग खुद भी इस एज में हम कहाँ इतनी गड़बड़ पड़ते थे, 50 साल पे आके समझ आ रही है अल्लाह ने तौफीक दी, तो उसमें मैम क्या करना चाहिए जी मैम, वही नहीं बिल्कुल ना मैम सही बात है, बच्चे पूछते हैं आपसे आर्ग्यू करते हैं हर बात में, तो मैं इसमें क्या रवैया होना चाहिए उसमें, हमने ये करना है कि हम अब उनके ऊपर डंडा लेके नहीं कहेंगे कि उनकी सेल्फ एस्टीम वो हो, और उन्हें हमें ये शो करें हम उनको चेक करें कि आपने एक गलत काम कर दिया कि आपने नमाज छूट दी, हमने ये कहना कि आज आपकी नमाज छूट तो नहीं गई, आपकी कितनी नमाज अच्छा आज आपने पढ़ी है, अच्छा मेरी कितनी छूटी है मैं कितनी नमाज पढ़ी, इस तरीके से जब हम बात करेंगे ना तो वो एक पुलिस वाले वाली बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम जब वो बंदा डिफेंसिव हो जाता है अब नींद में सो नहीं उठा जाता, जवानी है पीक के हार्मोन हम खुद भी जानते हैं, दूसरी बात बिल्कुल है एक तो ये तरीका हो गया कि हमने उनको पूछना है याद दिलाना है कि अच्छा आज आपकी नमाज जो है ना फजर की किस किस की रह गई थी, अच्छा आपने मैं उठ गई थी या मेरी भी रह गई, समटाइम ऐसे इस तरीके से कि रियलाइज करवाना है ठीक है रियलाइजेशन की थोड़ा कान में डालते हैं जी, तो रियलाइजेशन एक तो, और दूसरा आपने दुआ करनी है आप देखें कि वो पढ़ रहे हैं, और तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने पता नहीं वो तो इबादतें अल्लाह के लिए है ना, तो पता नहीं किस जी मैम बख्श दे यही बात आ जाती है मुझसे वो भी अल्लाह ताला मतलब दुआ तो बहुत करते हैं बिल्कुल, ये तो क्राइटेरिया तो नहीं है, हाँ जी डेफिनेटली ये तो करनी तो चाहिए, बिल्कुल वो हाँ जी माशाल्लाह ये भी आप इस दौरे हाजिर इस दौरे असर में देखें
कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि चार नमाजें भी ऊपर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वही आप देखिए ना, लैकिंग पे फोकस ना करें जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करें कि मेरे बच्चों ने आज चार नमाजें पढ़ी पॉजिटिव, तो एक दिन होगा कि आपको ये चीजें भी होंगी। कितना आज वैसे मैं पता नहीं इस टाइम बात करनी चाहिए नहीं, मैं शाम के टाइम में वॉक कर रही थी तो मैं मेरे साथ ही गाड़ी से दो लड़के कुछ जो है ना वो जा रहा इसी एज के निकले, तो आगे से वो और से मिलने आए, वो भी ज्वाइन किया इन्होंने। मैंने देखा कि वो एक दूसरे को चीज़ें कोई चीज़ देनी थी उन्होंने, अब बीच में से मैं क्रॉस कर रही थी। अब यकीन करें मुझे देख के वो आगे 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 चलते रहे कि अब हम किस तरह से एक दूसरे को दें, जो गाड़ी से निकला था वो पूरी उनके साथ ही मतलब हो गया कि मैं अब कैसे क्रॉस कर रही थी। उसमें से उन्होंने क्या किया, फौरन नीचे फेंकी और एक दूसरे को फौरन कहने लगे। जब मैं वो बीच में ऐसी ऐसी जगह आई कि वो उन्होंने एकदम से थ्रो करके तो यहाँ से तुम गुजरे थे वो चीज गिरी थी। जबकि वो मेरे सामने गाड़ी से उतरे, इस तरफ से कहाँ से वॉक कर ही नहीं रहे थे वो, तो मुझे देखते देखते आगे आगे तक चले गए। शुक्र अदा करें कि ये हालात तो इतने वर्स हैं। हाँ मैम अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला जनरेशन की हिफाजत करे। अपने ऊपर मैं आज इस चीज़ पे लिए भी थोड़ा सा काफ़ी यूँ कहना चाहिए कि थोड़ी सी डिस्पैरिटी थी कि मैंने कहा लोग फौरन जो है ना शॉर्टकट चाहिए और अपने ऊपर तज़किया नफ्स तो कोई ये तो दूर की बात है। बदगुमानी मैंने फैलाई जो मैंने मेरी सोच थी, मतलब यहाँ तक के एक चीज नजर आई तो जब मुझे सोचूं का ही नहीं पता तो वो कैसे होगा। चले मैम थैंक यू अल्लाह ताला, बस सबके बच्चों को इसकी बात है दाएं करके, बड़ी परेशानी है नई जनरेशन तो जी बिल्कुल एक दूसरे के लिए जी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जी। अभी मेरे यहाँ 10 मिनट है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो जी, किसी का क्वेश्चन कोई नहीं, मैं पूछूं आपसे कौन सा जो है इसमें से थीम मुश्किल लगा, सबसे चैलेंजिंग था, टाइप करें अगर बोल नहीं सकते तो। मैं मेरे ख्याल में तो फॉरगिवनेस था दिल से अगर आपने दिल से कर दिया, मतलब ऊपर से तो हम कर ही देते हैं लेकिन अंदर से जब बिल्कुल से अभी तक के लिए ये मुश्किल हो बिल्कुल एक एंगर का था मुझे तो ये दो सबसे ज्यादा मुश्किल यही है फॉरगिवनेस का, एंगर और फॉरगिवनेस दोनों, बाकी चीज़ें तो कुछ ना कुछ हो ही रही है ना, लेकिन ये दो जन चीज़ें जो है ना फॉरगिवनेस पे थोड़ा सा कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके तो एज अ ह्यूमन लें, क्योंकि देखें हम अगर यहाँ डेली आ रहे हैं और हम कुछ ना कुछ टच हैं तो कुछ हो रहा है, अगर हम कुछ दिन ना आए और टोटली हम सोसाइटी में रहें रिलेशनशिप में ही रहें और ऐसा तो फिर हम खुद भी अजीब सा फील करने लगते हैं और अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, तो जिन्हें तो पता ही नहीं है
जिन्हें तो ये समझ ही नहीं है कि खुद भी हम अपने ऊपर भी देखें, मेरे हम जो हमारी सोच क्या है, हम क्या हमारी जिम्मेदारी है, तो वो तो किसी किसी थीम से भी नहीं गुजरे। हम तो माशाल्लाह 18 थीम हो चुके हैं, तो हमारे लिए भी अभी इतना मुश्किल है, तो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है तो हम उन पर तरस ही खा सकते हैं। माफ कर भी देते हैं ना, तो लेकिन वो जो सारा एक प्रोसेस होता है ना जिस फेज से आप गुजरे हुए होते हैं, वो आपके माइंड में चल रही होती है। मतलब एक ये नहीं होता कि आपके पूरा 24 घंटे वो चल रही है, लेकिन दिन में किसी भी टाइम जैसे आप जब फ्री होते हैं या कुछ इस तरह की थॉट्स आने लग जाती हैं दोबारा से, क्योंकि आप उसी सर्कल में रह रहे होते हैं, आप उन्हीं लोगों में रह रहे होते हैं, उन्हीं को माफ करके उनके साथ रहना और वो पिछली बातें भुलाना ज्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली उसी में तो आप एक कॉग्निटिवली आप जो है ना अशरफुल मखलूकात हैं, और आप उसमें आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि वहाँ पे रहते हुए डिटैच हो के और वो इंसिडेंट्स आए तो इतना लिखें, इतना मिरर से वर्क मिरर के सामने बोलें कि आप बिल्कुल उसको माफ कर दें टोटली, लेकिन अगले का जो बिहेवियर होता है ना वो दोबारा आपको उसी से मतलब गुस्सा आना शुरू हो जाता है उन चीजों पे, कि मतलब हम करने की कोशिश कर भी रहे होते हैं तो अगला जो है वो दोबारा हमें उस स्टेज पे ले आता है। उसके लिए वो आप डीलिंग सीखे, क्योंकि वो ट्रिगर होता है, उस तरह से वो उनको सुकून मिलता है कि दूसरों को जो है ना इमोशनल हर्ट करके, तो उसमें जो है ना डीलिंग सीखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैंने ट्रिगर नहीं होना, मैंने डील करना है। और सम जब पैटर्न बने होते हैं ना, जो ट्रिगर और ट्रिगरर होता है उसका भी पैटर्न बना हुआ, तो कुछ टाइम तक जब मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बाय नहीं किया उनका ट्रिगर, तो खुद ब वो वापस उनको ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी कि ये क्या हो गया, ये जो मैंने क्रिएट किया तो उससे तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से करें और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, डिटैच होकर रहेंगे तो नए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, उनकी भी आदतें बनी होती हैं हमारी। और बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री हूँ, उसी इन्वायरमेंट में रहना और वहीं उन्हीं लोगों के साथ रहना और फिर वो इतना बड़ा ब्लंडर आए, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर बंदा कहता है कि मेरी सारी की सारी जो है ना वो ख़त्म हुई, लेकिन उसमें वो डीप ब्रीदिंग है, वही टेक्निक्स हैं जो अपने आप को प्रॉब्लम से जो कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें खुद को बड़ा करना शुरू कर दें, वो वाली टेक्निक करें, बैलून की करें, जिसमें कोई जो भी ऐसी सिचुएशन है, पर्सन है, उसको बिल्कुल बड़ा सा बैलून है उस पर उस तस्वीर को लगा दें और बैलून को नीचे से पिन करें और बैलून फट के ख़त्म हो जाए। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स माशाल्लाह मैंने कुछ ना कुछ शेयर की, वो जो कोट वाली कल शेयर की है उसको करें कि अपने आप को देखें कि बिल्कुल रिलैक्स, और जो भी स्ट्रेस है वो स्लोली स्लोली उसके बटन खुल रहे हैं और शोल्डर से हैं, वो बाजू से सारा स्ट्रेस जो है ना वो नीचे उतर रहा है, और फील करेंगे कि कितना ज़्यादा। फिर मैंने वो भी बताया था कि अपने हाथ में कोई छोटी छोटी कंकरियां लें और जितना वो स्ट्रेस है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो यूँ सोचें कि वो सारा कंकरियों के साथ नीचे जा रहा है। ग्रेटिट्यूड वाली है कि 100 कदम जो है ना रोज़ाना शुक्र गुजारी के करें, 100 कदम तो बहुत नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड एंटीडोट है। जी मैम, मैं बोलूँ? जी बोलिए। मैं ज़रा आपके बाहर आई थी, मुझे बहुत अच्छी पॉइंट लगा था ये कि जो कह रहे हैं ये यही टेक्निक्स इन पे काम करें ना, क्योंकि मैंने यही की है और उन्हीं लोगों के बीच में फिर वो जो NLP कोर्स किया था उससे फिर वो जो टूल सीखे थे, आप ऐसे ऐसे लोगों में सरवाइव करना सीख जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती अब वो करें क्या, वही एग्रेशन उनकी फिर किसी और जगह पे निकल रही होती है जो पहले आप पे निकलती है, वो जो पकड़ा होता है ना वो दूसरे की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको टेक्निक है और टेक्निक NLP से सीखी जाती है क्योंकि मैंने तो वहां से भी सीखी है और यहाँ से भी, तो मैं इन ये लोग जो बता रहे हैं मैं इन लोगों के लिए सिर्फ अपनी जगह चेंज की है कि मैं, मुझे बहुत ये लग रहा था क्योंकि मैंने की है ये चीजें, तो आप जैसे तैसे भी लोग हैं जब आप खुद पे काम कर लेते हैं ना, और ये जो अफर्मेशन हमने अपने आप को देनी है ये जब हम इतनी ज्यादा दे लेंगे ना तो हमारा माइंड उस टाइम उस मौके पे हमें रिमाइंड करवाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, तुमने ऐसा करना था, अभी तुमने ये टूल यूज करना, अभी तो तुमने हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करनी, अभी तुमने ऐसे करना है, इसको ऐसे डील करना है। वो जो अफर्मेशन हमने दी है वो हमारे सबकॉन्शियस में ऐसी बैठी होती है कि वक्त आने पर वो खुद ब खुद हमें रिमाइंड करवाता है कि अब आप ये करें। हाँ ऑटो पा, वो जो आपने कल बताया था बिल्कुल ये हो जाती है। तो मैंने तो जो एक एक टेक्निक की है और मैंने तो इनको बल्कि नोट करके रख लिया, आगे भी अगर मुझे किसी को देनी पड़ी तो मैं दूंगी, ये इतनी करोड़ों की है ना, बल्कि मैं कहती हूँ कि अगर जो करेगा ना उसको लगेगा कि इनकी कोई कॉस्ट ही नहीं है,
इतना वर्क करती हैं, और स्पेशली ये वाली कि अपने आप को बहुत बड़ा कर लेना और दूसरे को वो जो आपने मुझे करवाई थी छोटा करने वाली, इसने तो लोगों वो मेरी जिनको मैंने बहुत ज्यादा अपने सर सोशल हाँ अच्छा याद आ गया, वो एक दिन वो हाँ पूछ भी रही थी वो सर पे सवाल ना जिनको वो मैंने करवाई जी जी आप बोले एनएलपी की बहुत ज्यादा टेक्निक से वो सही आपने मुझे याद दिलाया, इतने दिनों से ये कह रही थी, मैं सोच रही थी कौन सी टेक्निक है। बिल्कुल जी जी आप बताएं मैम। नहीं वो किसी को करवाऊंगी ना, वो जो कह रही थी हाँ, मुझे वो करवाए तो आप मुझे याद आ गया वो जो मैंने की, और फिर मैंने एक दफा तो आपने करवा दी लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी टाइम तक वो की, उसने तो फिर जिन लोगों की जो बातें मैंने बहुत बड़ी दिमाग ने की हुई थी ना वो तो बिल्कुल वैल्यूलेस होगी, उनकी तो वैल्यू खत्म होगी मेरी लाइफ में। अब तो मुझे लोग ऐसे नजर आते हैं कि बिल्कुल चूंटियों की तरह, कि उतने है नहीं जितना इन्होंने बोझ अपने ऊपर उठाया हुआ है, जितनी मुश्किलें जितनी ये विपत्तें लेके चल रहे हैं, इतनी सी जान है, इतना बड़ा बड़ा बोझ अपने ऊपर उठा के चल रहे हैं, मुझे इतने इतने नजर आते हैं कि मैं कैसे इनको बताऊं कि ये तुम्हारी जो जान है इससे ज्यादा बोझ तुमने अपने ऊपर उठाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये टेक्निक्स के साथ बहुत होता है, अगर किसी का इन चीज़ों से नहीं खत्म हो रहा तो इनको ज़्यादा मैंने टेक्निक्स भी करवाई हैं जी बिल्कुल, मैं ऐसे मैं इनको और बताऊं, वाकई जब आप मुझे कहती थी कि नहीं छोड़ो ऐसे नहीं, जब टेक्निक्स की ना ज्यादा फर्क उससे हुआ, बिल्कुल टेक्निक से बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि माइंड वो चीज दिखाता है फिर जब आप बार बार करते हैं ना उसमें पक्की हो जाती है। और ये जो फॉरगिवनेस है ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों को तो अभी नहीं लेकिन कोई गिनगिने चुने दो तीन लोग हैं जब मैंने उनको माफ किया है तो यकीन करें उनकी कोई बात याद ही नहीं आती और दिल ही नहीं करता कि अब उनका कोई डिस्कस किया जाए, यानी जब आप दिल से कर देते हैं ना आपके दिल से ही दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं, बिल्कुल वो आपके सामने है मौजूद है, आप उसको अल्लाह का बंदा समझ के डील कर रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह के लिए अगर मैं इसके ये काम कर रही हूँ या जो कुछ की अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है बाकी मुझे इससे कुछ नहीं है, इसका जो अजर है वो मेरा रब मुझे देगा, बस बात खत्म। बिल्कुल यही चीज, और कोई भी काम जब हम करते हैं तो ये अल्लाह की रजा के लिए जब करते हैं तो हमारा तो डबल ट्रिपल वो है ना, हमें उसे रिवार्ड भी मिलना है कि हमने अल्लाह की मखलूक समझ के, और मैंने तो बहुत चीज़ें जब भी कोई काम करते मैं कहती हूँ ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह के बंदे हो जाता है, ये नहीं कहते कि बिल्कुल बंदा परफेक्ट हो, लेकिन चीज़ें जो अगर नहीं हो रही डिफ़िकल्ट हो रहा है तो उसके लिए जो ज़्यादा ऐसे ट्रामाज होते हैं ऐसे हर्ट हुआ होता है इंसान तो उसको टेक्निक्स के साथ करते हैं, और मैंने करवाई भी हैं भूल गई थी आज इन्होंने याद करवाया तो काफी सारी एनएलपी की टेक्निक्स हैं जी मैम। बिल्कुल, और बीच में टाइम आ जाता है बैंड हो रहा है।